वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मैं आ चुका हूँ वापस से अपनी छत पे न्यू पौधों के साथ। तो गाइस आज हम लगाने वाले हैं पिंक जो गुलाब होता है गाइस, उसकी कलम लगाएंगे गाइस, जो कि आप देख सकते हो पूरी गाइस डाली है मेरे पास। ये देखो गाइस पूरी डाली है, चेक करो। तो गाइस इसमें से हम 3 से 4 कलम करेंगे और हर 3 गमलों में लगाएंगे। तो देखते हैं गाइस कितनी जो हमारी कलमें हैं वो सक्सेस होती है और कितनी नहीं। लेकिन इसको लगाने से पहले गाइस, इस कलम को लगाने से पहले हमें जिन गमलों में हम ये लगाने वाले हैं ना गाइस, उन गमलों की करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी बुनाई। तो गाइस इसको तो अभी फ़िलहाल रखते हैं हम यहाँ नीचे। तो अब चलते हैं गाइस फटाफट से बुनाई करने। और बुनाई भी गाइस आज मैं चाकू से करूँगा, क्योंकि वो जो कुल्हाड़ी टाइप है गाइस वो लाना भूल गया। चलते हैं गाइस, पहला ये गमला गाइस इसकी करते हैं फटाफट से हल्की फुल्की, तो ऐसे मैंने कर दी है इसकी। एक और है गाइस इधर, ये जो खाली पड़ा हुआ है इतने टाइम से, एक इसमें लगाएंगे। गाइस ये तो पूरा सूख रहा है, देख ही सकते हो आप लोग, इसकी जो मिट्टी है गाइस वो पूरी तरीके से सूख चुकी है। इसमें लगाने के लिए गाइस सबसे पहले हमें इसमें पानी डालना पड़ेगा और उसके बाद ही लगेगी इसमें कलम। तो इसको तो हम बाद में लगाएंगे, इसमें पहले हम 2 में लगा देंगे, उनमें जो मिट्टी उनकी गीली भी है, इसीलिए इसमें गाइस बहुत टाइम से पानी भी नहीं डालना इसीलिए। सो गाइस हो चुकी है इसकी बुनाई, आगे चलते हैं जिसमें एक और में लगाना है। सो गाइस एक में लगाएंगे हम इस जगह पे, यहाँ जो स्पेस है इधर, यहाँ पे हल्की हल्की करनी पड़ेगी। वैसे गाइस ये 3 ही 4 जो है मिट्टी इनकी सबकी सूख ही रही है। तो गाइस पहले हम कलम काट लेते हैं, तिरछी जो हमारे जो साइज़ है कलम का उस साइज़ में काट लेते हैं। उसके बाद जो है गाइस हम कलम को लगाएंगे ताकि इजीली लग जाएगी, क्योंकि पानी से गाइस मिट्टी जो है गीली हो जाएगी। उसके बाद गाइस आसानी से मिट्टी में कलम जो है वो चढ़ जा सकती है। तो गाइस हम इसके करते हैं फटाफट से 3 से 4 टुकड़े, उसके बाद लगाना शुरू करेंगे गाइस। फटाफट से करता हूँ गाइस, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। वैसे ये रही गाइस इतनी लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है गाइस ये। सो गाइस ये देखो हल्की सी इसको टेढ़ा काटना पड़ता है कलम को, ताकि ये आसानी से लग जाए। पैर से गाइस चाकू पकड़ रखा है और एक हाथ से कैमरा, और गाइस अब मैं इसको काट रहा हूँ। सो ये देखो गाइस चेक करो गाइस, हल्का सा थोड़ा मुश्किल है इसको काटना है इस टाइप से जैसे मैं काट रहा हूँ। सो गाइस काटने के बाद आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये एक तो मैंने बिल्कुल प्रॉपर जो साइज़ है गाइस उस साइज़ में काट लिए। अब ये देखो गाइस ये साइड में इतनी लंबी है ये हल्की सी, तो इसको भी गाइस छोटा सा कर देते हैं। ये डाली है गाइस इसी में से निकल रही है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं बाई चांस इधर से न्यू पत्ती आने के चांसेस हैं। तो गाइस इसको और थोड़ा सा काट देते हैं फटाफट से। तो ये देखो गाइस ये भी काट दिए, तो तोड़ दी हल्की सी डाली, और इससे पहले गाइस ये इसमें सूखे सूखे भी थे थोड़े बहुत, तो वो भी निकाल दिए। तो गाइस इसी प्रकार से हम 2 से 3 जो है डाल वो काट लेते हैं। वैसे गाइस इसकी कटिंग जो टेढ़ी होती है, ताकि इसी से गाइस ये चलती है। तो गाइस फटाफट से करते हैं 3 से 4 कट, इस प्रकार से इसमें से और काट लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस मैंने ये 3 काट लिए हैं, एक गाइस ये सबसे छोटी है, बाकी गाइस उससे बड़ी ये रही हल्की सी, ये देखो गाइस ये रही, और गाइस सबसे बड़ी ये इसमें छोटी छोटी ये जितनी भी डालियाँ इनको हटाना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा है इसीलिए इन सारी डालियों को गाइस छोटा करना पड़ेगा, देख ही सकते हो आप लोग। तो गाइस इनको और फटाफट से छोटा करता हूँ गाइस, इन सारी डालियों को भी फटाफट से छोटा करता हूँ, उसके बाद हम मैं आपको दिखाऊंगा। और फटाफट से चलते हैं गाइस, पहले पानी डालेंगे इनको छोटा करने के बाद इस वाली डाली को, उसके बाद गाइस इनको हम फटाफट से लगाएंगे गमलों में। सो गाइस फटाफट से करते हैं छोटा। सो गाइस फाइनली मैंने इसको भी छोटा कर दिया इस वाली जो कलम को, और इसकी जितनी भी गाइस ये छोटी छोटी डालियाँ हैं ये तो गाइस हम फेंक देंगे, क्योंकि ये जो भी डालियाँ हैं गाइस ये किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि मोटी होती है गाइस उसी से कलम से उसी कलम से पौधा बनता है। तो गाइस इन सबको हम फटाफट से समेट लेते हैं, उसके बाद गाइस हम सामने वाले प्लॉट में इनको फेंक देते हैं, क्योंकि ना तो इनको गाइस हम कंपोस्ट के रूप में भी काम नहीं ले सकते हैं। तो गाइस इनको एक एक कुक को उठाकर फटाफट से फेंक देते हैं, ऐसे गाइस आराम से उठाते हैं क्योंकि काटे हैं चुभ ना जाए। सो गाइस ये बचा हुआ जितना भी छोटा मोटा कचरा भी है इसको भी फटाफट से समेट लेते हैं, उसके बाद गाइस पानी डालेंगे और फिर गाइस हम इन 3 कलमों को भी लगा देंगे। तो गाइस फटाफट से कांटों को भी समेट लेते हैं, ताकि कोई भी आएगा इस छत पे तो उसके चुभ ना जाए। वैसे गाइस छोटू वगैरह आते ही रहते हैं दिन में या सुबह के टाइम, शाम को सुबह आते रहते हैं। गाइस इनको भी फटाफट से फेंक देते हैं नीचे।
में फेंक दिया है। अब चलते हैं गाइस फटाफट से पानी लेने, और पहले डालते हैं गाइस पेड़ पौधों में फटाफट से पानी, उसके बाद गाइस हम करेंगे कलमों को लगाएंगे गाइस, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, मेन जो काम है गाइस वो करेंगे। तो गाइस टंकी मैं दिखाता हूँ एक बार, तो पहले ढक्कन खोलते हैं गाइस। आज तो थोड़ी भरी हुई है टंकी, बेटर है। तो गाइस बाल्टी उठाते हैं, टंकी के अंदर डालते हैं, और रोज़ की तरह पानी निकालते हैं टंकी में से, और फिर गाइस चलते हैं फटाफट से पानी डालने। सो गाइस एक एक गमले में डाल देते हैं पानी, उसके लिए गाइस मग्गे को भी लेते हैं यहाँ से, फटाफट से डालते हैं गाइस फास्ट पानी आज। उसके बाद गाइस मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है गाइस कलम वगैरह न्यू पौधे वगैरह लगाने में, इसीलिए गाइस थोड़ा फास्ट डालते हैं पानी, उसके बाद गाइस हम लगाएंगे कलम। वैसे गाइस हमारे पास जो पहला पुराना ये जो गुलाब का पौधा है गाइस, ये है वाइट कलम, मतलब वाइट जो गुलाब होता है गाइस उसका। मग्गे को वापस रखते हैं गाइस और फटाफट चलते हैं वापस से बाल्टी को भरने। तो गाइस बार बार रस्सियों के नीचे से निकलना पड़ता है, रस्सियाँ भी बहुत है छत पे। तो गाइस बाल्टी तो निकल दी, चलते हैं फटाफट। गाइस बचे हुए जितने भी गमले हैं उनमें पानी डालते हैं। सो गाइस उसके लिए हमें चाहिए होगा मग्गा, जो कि हमने यहाँ रख रखा है, इसको लेते हैं गाइस। अब चलते हैं फटाफट से डालते हैं पानी। गाइस इसकी भी मिट्टी गीली करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ही लगाने वाले हैं एक कलम तो हम। बाकी गाइस एलोवेरा में डालते हैं पानी। इधर गाइस ये सेम का जो पौधा है इसमें भी डाल देते हैं। गैस बाल्टी हो चुकी है खाली, अब डायरेक्टली बाल्टी से डालेंगे पानी। गैस एक और इधर है, ये गमला पूरा सूखा हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। ये वाला गैस इसमें हम अभी गुलाब की कलम लगाने वाले हैं, और गैस एक इसमें भी लगाने वाले हैं साइड में हल्की सा जो स्पेस है उसमें। बाल्टी गैस वापस हो चुकी है खाली, चलते हैं फटाफट से बाल्टी भर कर लाता हूँ। गैस एक बार मैं पानी सब में कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा, वरना तो फिर ब्लॉक जो है गाइस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम थोड़ा ब्रेक करते हैं ब्लॉक को। सो गाइस सारे गमलों में डाल दिया मैंने पानी, आप लोग चेक कर ही सकते हो सारे गमलों में हो चुका है गाइस कंप्लीट पानी। अब चलते हैं गाइस एक बार तो पक्षियों की जो मटकी है उसको भी भरकर आ जाते हैं थोड़ा, उसके बाद गाइस हम जो अपना मेन काम है गाइस कलम लगाने का वो करेंगे। सो गाइस मटकी बहुत ज़्यादा खाली है, पानी भी कम पड़ गया गाइस, तो और भरकर लाना पड़ेगा। चलते हैं गाइस और भरकर लाते हैं मटकी को, इसको सॉरी बाल्टी को, उसके बाद भरते हैं मटकी को। सो गाइस पानी वापस से भर के ले आया हूँ मैं बाल्टी को आधा, अब भर देते हैं इस मटकी को फुल। तो गाइस मटकी भी हो चुकी है बिल्कुल फुल, अब चलते हैं गाइस बाल्टी को रखते हैं बाल्टी की जगह पे। और जो गाइस ये देखो बाल्टी में मतलब पानी भी हल्का सा बचा है, तो इस बचे हुए पानी को गाइस हम गमलों के आसपास डाल देंगे। सो गाइस इस बचे हुए पानी को हम डालते हैं गमलों के आसपास, थोड़ा सा जो भी बचा है गाइस, तो इससे थोड़ी बहुत मिट्टी जो होगी गाइस कांटे वगैरह होंगे वो चले जाएंगे, हम भी हमने गुलाब की जो कलमें काटी हैं उस लिए। सो गाइस अब लगाते हैं हम फटाफट से हमारी ये तीन जो कलमें हैं गाइस इनको लेकर चलते हैं, पिंक कलर की जो गाइस गुलाब की कलम है हमारी, इनको लेकर चलते हैं गाइस, और चलते हैं फटाफट से गाइस। एक गमला तो गाइस ये रहा, गाइस मैंने गुलाब की कलम के चक्कर में मतलब ज़्यादा पानी डाल दिया, क्योंकि गाइस ये जो गमले थे वो ऑलरेडी मतलब सूखे थे, इनमें पानी नहीं डालता था, खाली गमले थे इसीलिए। तो गाइस फटाफट से काटते हैं एक एक करके आराम से। सबसे छोटी वाली कलम गाइस हमने इधर काट दी है, और एक कलम को काटते हैं गाइस हम दूसरा जो इधर खाली गमला है इसमें। ये देखो गाइस गाइस ये भी हो चुका है कंप्लीट, अब एक और ये बची हुई है गाइस कलम, तो इसको भी गाइस इधर ही काट देते हैं, क्योंकि मुझे ये जो छोटी वाली है ये सक्सेस शायद ही होगी, तो गाइस इसको भी हम इधर ही काट देते हैं कोई नहीं। गाइस दोनों बिल्कुल पास पास काट दिए। सो गाइस अब देखते हैं, अब इंतजार है गाइस मुझे इनका, मतलब ये चलती हैं या नहीं चलती हैं उसका गाइस, तो देखते हैं अगले ब्लॉक में या कुछ दिनों बाद गाइस पता पड़ जाएगा गाइस हमें ये जो कलम है वो चल पाती हैं या नहीं चल पाती हैं। कल गाइस हमने जो बोतल में मनी प्लांट्स जो डाले थे ना गाइस, मनी प्लांट्स की जो बेल थी
उनको गाइस हम गमलों में लगाएंगे, शायद उनकी भी जड़ निकल गई होगी। सो गाइस कल देखेंगे क्या होता है। आज का जो ब्लॉग है गाइस उसे यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो।